ढाबा स्टाइल फिश बनाने जा रहे हैं, जिसमें हम एक बड़ा प्याज लिए हैं, लहसुन अदरक लिए हैं और टमाटर। ये रेहू फिश है, फ्रेश रेहू फिश लिए हैं, और इसका प्याज लहसुन अदरक और टमाटर सबका पेस्ट बनाएंगे, फिर आपको दिखाते हैं कि हम कैसे बनाते हैं। या इसमें हल्दी या नमक डालेंगे फिश में लगा के, इसको थोड़ा देर रेस्ट करने देंगे, फिर फ्राई करेंगे। इसमें नमक हल्दी डाल देते हैं और इसको अच्छे से नमक स्वाद अनुसार थोड़ा डालेंगे, काहे कि करी में भी नमक जाएगा, इसलिए ज़्यादा नमक नहीं डालेंगे। इसको अच्छे से सब में लगा देंगे, आगे पीछे सब में लगा देंगे इस तरह से। इसे आधा घंटा छोड़ सकते हैं इसको लगा के। इसको ढक देंगे, ढक के इसको रेस्ट में देंगे। अभी कढ़ाई गर्म हो गया है मछली फ्राई करने के लिए। हम इसमें मस्टर्ड ऑयल डाल रहे हैं। मस्टर्ड ऑयल में नॉन वेज चाहे फिश अच्छा बनता है, टेस्ट अच्छा आता है इसका, इसलिए हम डाल रहे हैं। आप जो तेल खाते हो वही तेल डालो, हम इसमें बनाते हैं, इसे टेस्ट बहुत अच्छा आता है, आप एक बार ट्राई करके देखना। तेल गर्म हो गया है पूरा, अब इसमें एक एक करके फिश को फ्राई करेंगे। ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, शैलो फ्राई करेंगे। एक साइड हो गया है, देखिए अब दूसरे साइड भी इसी तरह कर लेंगे हम। अब इसको निकाल लेंगे, दोनों साइड हो गया है, उसी तरह फ्राई करना है, ज़्यादा लाल करके फ्राई नहीं करना है, तो निकाल लेंगे। इसी तरह दूसरा राउंड भी डाल देंगे, दूसरा बैच। थोड़ा पानी से चलते हुए हल्दी नमक जो डाला रहता है उससे पानी छोड़ता है, इसलिए ये थोड़ा तेल उड़ता है, तो इसको थोड़ा ढक देंगे तो फेस पर पड़ जाता है। देखिए फ्राई करके हम निकाल लिए हैं, हम दो लोग के लिए बना रहे हैं, तो फ्राई करके सबको निकाल लिए हैं। अब हम मसाला के लिए तैयार। तब पहले तड़का डालेंगे, एक खड़ा गर्म मसाला है, लौंग इलायची दालचीनी और जीरा सब डालेंगे। अभी ये खड़ा गर्म मसाला डाल देंगे पहले, उसके बाद जीरा डाल देंगे, तेज पत्ता, दो लाल मिर्चा, ये पहले प्याज को पहले भून लेंगे थोड़ा, उसके बाद टमाटर डालेंगे। ये प्याज लहसुन अदरक सब है, इसको पहले भून लेंगे। उसमें हल्दी डाल देंगे और कश्मीरी मिर्च से कलर बहुत अच्छा आता है, ये जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, सबको मिला लेंगे अच्छे से और इसको भून थोड़ा भूनेगा, उसके बाद फिर टमाटर हम डालेंगे। इसमें स्वाद अनुसार मछली में हम नमक थोड़ा दिए थे, इसलिए स्वाद अनुसार नमक इसमें डाल देंगे।
देखिए प्याज भून गया है, थोड़ा तेल इसे आने लगा है, निकलने लगा है बाहर। अब इसमें टमाटर डाल देंगे हम। फ्रेश प्यूरे है टमाटर का, और इसको जब तक भूनेंगे जब तक कि इससे तेल बाहर नहीं आने लगे फिर से, तो इसको कम आंच करके इसको भूनने देंगे हम। देखिए तेल बाहर आने लगा है और मसाला अच्छे से भून गया है। अब इसमें हम पानी दे देंगे ग्रेवी के लिए। आपको चावल रोटी जिसके साथ खाना है, अगर रोटी के साथ खाना है तो आप पानी कम डाल सकते हैं, ग्रेवी गाढ़ा रख सकते हैं। हम चावल के साथ खाएंगे इसलिए हम पानी थोड़े ज़्यादा दिए हैं ग्रेवी के लिए। खोलेगा इसमें, उसके बाद इसमें फिश डालेंगे हम। ये ग्रेवी खोलने लगा है, अब इसमें हम एक एक करके फिश को डाल देंगे कि फिश में भी अच्छे से मसाला आ जाए। थोड़ा देर इसको खोलने देंगे साथ में, उसके बाद उतार के आपको दिखाते हैं। देखिए हो गया है इसका ग्रेवी भी गाढ़ा हो गया है। अब इसको हम उतार लेंगे और सर्व करके आपको दिखाते हैं। देखिए दवाई स्टाइल बन के तैयार हो गया है फिश करी, इसको सर्व करके दिखा रहे हैं। ऊपर से हरी मिर्ची, और भी रेसिपी मेरे चैनल पे फिश के डाले हुए हैं, आप जाके देख सकते हैं। और बेल आइकन दबाइएगा, आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, जो भी रेसिपी हम डालते हैं आपको सबसे पहले देखने को मिलेगा। आप बेल आइकन जरूर दबाइए और जाके मेरे चैनल पर सभी रेसिपी आप देख सकते हैं। तो ये देखिए कितना अच्छा बना है, बहुत टेस्टी बना है, आप भी एक बार ट्राई जरूर कीजिए। इसको चावल रोटी पराठा पूरी किसी के साथ भी खाइएगा अच्छा लगेगा, कभी भी खाइएगा अच्छा लगेगा। तो एक बार ट्राई जरूर कीजिए और सब्सक्राइब लाइक कमेंट करना मत भूलिए। आप देखते तो है लेकिन सब्सक्राइब लाइक नहीं करते हैं, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए और सब्सक्राइब लाइक कॉमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक यू।